Hello everyone, welcome to EduTab and welcome to this session. As we have promised in the previous session that we will be coming with the exclusive session on MSP. So here we are with this session, and in this session we will be discussing what is MSP, who recommend this MSP, and for how many crops this MSP is being recommended, and also what is the current MSP for different Kharif as well as Rabi season crop. Theek hai? So that is all what we are going to discuss in this video. But before that, I have an announcement that we have launched a comprehensive NABARD guidebook for you. This is your one-step solution to all your queries regarding NABARD and NABARD examination. Not only that, it also have the decoded syllabus as well as PYQs that are previous year questions, which you can refer to see that what kind of questions are being asked in NABARD Grade A. Not only that, it will also provide you the strategy and resources to crack this NABARD Grade A examination, and that too for free. Yes, you can avail this guidebook for free, and for that you have to go to the description box, click on the link, register yourself and avail all this information for yourself. Okay, so with that informative announcement, let's start our today's video with the question that I have given you in the previous video. ठीक है, अगर आपको याद होगा, I have given you the question regarding the MSP of common paddy. ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे तो none of the above है, क्योंकि मैंने जानबूझ के गलत ऑप्शंस दिए हैं, just to test you that कि आप कितना सर्च करते हो, and I can see that many comments are there saying that इतना MSP है, इतना MSP है, but ठीक है, यहाँ पे आंसर है none of the above. बट डोंट वरी, आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो डोंट वरी, इस सेशन के एंड तक आते आते आपको पता चल जाएगा कि वॉट इज़ द एमएसपी ऑफ कॉमन पेडी फॉर द सीजन 23-24. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो पहले लेट मी टेल यू दैट वॉट इज़ एमएसपी. एमएसपी इज बेसिकली मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ठीक है, वॉट इज द एमएसपी? इट इज़ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस. बेसिकली दिस इज द प्राइस दैट इज बिंग फिक्स्ड बाई गवर्नमेंट टू हेल्प फार्मर्स. ठीक है, फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, कि फार्मर्स को पता हो कि इफ़ दे आर ग्रोइंग पर्टिकुलर क्रॉप, सो वट द प्राइस दे आर गेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर क्रॉप. ठीक है, सो इसलिए एम एस पी डिसाइड किया जाता है बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डिफरेंट क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, एंड जस्ट दिस टू गिव द आइडिया टू द फार्मर्स, ओके इफ ही इज गोइंग अ पर्टिकुलर क्रॉप देन वट विल बी द रिटर्न, वट विल बी द यू नो इनकम ही इज गेटिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्रॉप. ठीक है, सो दैट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस एम एस पी. Now, who recommend this MSP? This recommendation is given by Commission of Agriculture Cost and Prices. ठीक है, CACP. This is the body who recommend the MSP. ठीक है, recommendation is given by this CACP. And it is recommended for 22 mandate crops. ठीक है, 22 mandate crops के लिए MSP release होता है, while your FRP is released for शुगर केन. ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि 22 मैंडेट क्रॉप्स के लिए एमएसपी रिलीज होता है और आपके शुगर केन के लिए एफआरपी रिलीज होता है. ठीक है, फॉर शुगर केन. अब आपको ये समझ आ गया कि एमएसपी क्या है, कौन रिकमेंड करता है, कितनी क्रॉप्स के लिए रिकमेंड होती है, बट अब इस एमएसपी को अनाउंस कौन करता है. ठीक है, सो बेसिकली दिस एमएसपी इज अनाउंस्ड बाय सीसीईए, दैट इज कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. ठीक है, आपको पता होना चाहिए रिकमेंडेशन इज गिवन बाय सीएसीपी, व्हाइल अनाउंसमेंट इज डन बाय कैबिनेट कमीशन ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. ठीक है, अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी क्रॉप के लिए अनाउंस होता है. बेसिकली देर आर 7 सीरियल क्रॉप्स, विच इज पैडी, वीट, बार्ले, ज्वार, बाजरा, मेज एंड रागी. ठीक है, इन 7 सीरियल्स क्रॉप के लिए एमएसपी अनाउंस्ड होता है. देन वी हैव 5 पल्सेस, ग्राम, अरहर, मूंग, उड़द, लेंटिल. वी हैव 7 ऑयल सीड, दैट इज ग्राउंड नट, रेपसीड, मस्टर्ड, देन सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसमे, सैफ्लावर एंड नाइजर सीड. एंड अमंग अदर क्रॉप्स वी हैव रॉ कॉटन, रॉ जूट एंड डी हस्क कॉटन. ठीक है, सो बेसिकली दीज आर द क्रॉप्स फॉर विच द एम एस पी इज अनाउंस्ड. ठीक है, अब ये तो हो गया कि कौन सी क्रॉप्स आती है, क्या होती हैं, बट प्रेजेंट एमएसपी क्या है इन क्रॉप्स का, लेट्स सी दैट. सो बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट खरीफ सीजन क्रॉप्स, ठीक है, तो दिस इज द एमएसपी फॉर खरीफ सीजन क्रॉप ऑफ 2022-23 एंड 23-24. ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है एमएसपी फॉर पैडी. कॉमन पैडी द एमएसपी इज 2183. ठीक है, नाउ आपको आप आंसर मिल गया है कि एमएसपी कितना है पैडी का, 2183. ग्रेड ए पैडी की बात की जाए तो इट इज 2203. ओके, क्लियर. देन फॉर ज्वार इट इज, फॉर हाइब्रिड ज्वार इट इज 3180, वाइल फॉर मालदिंदी इट इज 3225. ठीक है, बाजरा की बात की इट इज 2500 पर क्विंटल. ठीक है, सी दिस इज द एमएसपी, दिस इज द रुपीज पर क्विंटल. ठीक है, एमएसपी इन रुपीज पर क्विंटल, तो एक क्विंटल का कितना प्राइस है ये यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, तो मेज की अगर बात करें तो इट इज 3846, फॉर रागी इट इज 2090, फॉर तुर इट इज
7000, for मूंग इट इज 8558, फॉर उड़द इट इज 6950, फॉर कॉटन मीडियम स्टेबल कॉटन इट इज 6620, फॉर लॉन्ग स्टेबल इट इज 7020, देन फॉर ग्राउंड नट इट इज 6377, सैफ्लावर सीड इट इज 6760, सोयाबीन येलो सोयाबीन इट इज 4600, फॉर सीसमे इट इज 8635 एंड फॉर नाइजर सीड इट इज 7734। ठीक है, तो अब ये हो गई करंट एमएसपी ऑफ योर खरीफ सीजन क्रॉप। ठीक है, तो अब खरीफ सीजन क्रॉप की आपकी एमएसपी कवर हो गई है, और ये सारी एमएसपी इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चन किसी से भी पूछ लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की एमएसपी इंपॉर्टेंट है, वी नो, बट कभी कभी एग्जाम में अदर देन अपार्ट फ्रॉम योर इंपॉर्टेंट क्रॉप किसी और क्रॉप्स की भी एमएसपी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको सारी एमएसपी सारी क्रॉप्स की एमएसपी पता होनी चाहिए। दिस इज द लिस्ट ऑफ एमएसपी फॉर प्रीवियस ईयर, और आप कंपेयर कर सकते हो। इफ यू कैन इफ यू वॉन्ट टू सी द कंपेरिजन की कितना एमएसपी बढ़ा है, सो यू कैन जस्ट कंपेयर इट फ्रॉम हियर। ठीक है, तो ये हो गई अब खरीफ क्रॉप की एमएसपी की बात। चलो अब बात करते हैं हम रबी क्रॉप्स की। सो बेसिकली रबी क्रॉप्स का जो एमएसपी है दैट फॉर 2023-24 जो प्रेजेंट एमएसपी है, ठीक है, अभी रबी क्रॉप लगी नहीं है, वी आर इन द खरीफ सीजन, बट जो पास्ट ईयर की एमएसपी है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट, क्योंकि अभी करंट के लिए वही है। ठीक है, रेस्ट जो आपकी एमएसपी जो अनाउंस्ड होती है वो बिफोर क्रॉपिंग सीजन होती है। ठीक है, बिफोर दैट क्रॉपिंग सीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉप। ठीक है, उस जैसे अगर खरीफ का क्रॉपिंग सीजन है तो खरीफ के क्रॉपिंग सीजन से पहले खरीफ की एमएसपी अनाउंस होगी। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली रबी के क्रॉपिंग सीजन से पहले रबी की एमएसपी अनाउंस होगी। ठीक है, बट अब आप ये सोचोगे इसका 23-24 का क्या मतलब है, क्योंकि प्रीवियस ईयर रबी क्रॉप थी होगी 22-23 की, तो उसके लिए जो एमएसपी अनाउंस होता है वो नेक्स्ट ईयर का होता है। बेसिकली इट इज़ फॉर रबी मार्केटिंग सीजन। ठीक है, नेक्स्ट ईयर जो रबी मार्केटिंग सीजन है उसके लिए एमएसपी अनाउंस होता है, एंड वो ऑब्वियसली जब हार्वेस्टिंग होगी रबी की सीजन की नेक्स्ट ईयर, तब के लिए अनाउंस होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट की बात कि ये 23-24 का क्या कॉन्सेप्ट है और रबी सीजन की एमएसपी कब अनाउंस होती है। तो अब पर प्रेजेंट एमएसपी क्या है देख लेते हैं रबी सीजन क्रॉप के लिए। सो बेसिकली वीट का इट इज 2125, फॉर बार्ले इट इज 1735, फॉर ग्राम इट इज 5335, फॉर लेंटिल इट इज 3000, रेप्स एंड मस्टर्ड के लिए इट इज 5450, एंड फॉर सैफ फ्लावर इट इज 5650। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रबी सीजन की क्रॉप और उसकी प्रेजेंट एमएसपी। ठीक है, अब ये सारी एमएसपी आपको इम्पॉर्टेंट है। देखो देयर आर ओनली 22 क्रॉप्स। ठीक है, और आपको पता है कि एमएसपी से क्वेश्चन आ ही जाएगा, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इनको अच्छे से याद कर लो, इन डेटा को देख लो कि प्रेजेंट एमएसपी किस पर्टिकुलर क्रॉप की क्या है। ठीक है, सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू हैव एन्जॉयड द वीडियो। इफ यू हैव डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू आर न्यू टू आर चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल, एंड इफ यू वॉन्ट टू डाउनलोड दिस पीडीएफ यू कैन जॉइन अस ऑन आर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, so that was all for this video. I hope you have enjoyed. Thank you so much.